सिद्ध हॉस्पिटल मुरादाबाद में आज फिर डॉक्टर गौरव जिंदल द्वारा एक जटिल ऑपरेशन कर एक नया आयाम स्थापित किया गया। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने मेडिकल टूरिज्म विदेशी मरीजों का इलाज के अपने संकल्प को पूरा करने हेतु कटिबद्धता का परिचय दिया। इराक देश का नागरिक जैद एक जटिल बीमारी पथरी से पीड़ित था, जो कि 1000 व्यक्तियों में से किसी एक को हो सकती है। एडवांस स्टेज पर इस बीमारी का इलाज रिजर्वेशन सर्जरी द्वारा डॉक्टर गौरव जिंदल ने भारत में प्रथम बार कर सिद्ध हॉस्पिटल एवं मुरादाबाद का नाम गौरवान्वित किया। जैद एवं उसके पिता ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली NCR की अपेक्षा 10 गुना कम दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सिद्ध हॉस्पिटल एवं डॉक्टर गौरव जिंदल का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर गौरव जिंदल ने बताया कि उन्होंने इस विशेष विधि को करने की फेलोशिप ट्रेनिंग सनाई हॉस्पिटल बाल्टीमोर अमेरिका से ली है। गौरव जी, ये बच्चा कहाँ से आया है, क्या प्रॉब्लम थी और क्या समाधान है? ये बच्चा हमारे यहाँ इराक से आया है और इसको बहुत ही अलग बीमारी है, उसको बोलते हैं बर्थीज डिजीज। बर्थीज डिजीज में क्या होता है कि जो हमारा हिप है, हिप जॉइंट का, मैं आपसे एक पढ़ाई करना चाहूँगा, ये बॉल है, इसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। सर्कुलेशन कम होने की वजह से इसके सेल्स जो हैं वो डाई खत्म होने शुरू हो जाते हैं और ये कमज़ोर होने की वजह से ये पतला होना शुरू हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों बाद ये जो है ये बाहर आ जाता है। तो बर्थीज से पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है और दर्द रहता है और आगे चल के इसको बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो हम लोग ने इंडिया में पहली बार एक स्पेशल ऑपरेशन किया है, इसको बोलते हैं हिप डिस्ट्रैक्शन या हिप रिजर्वेशन सर्जरी। हिप रिजर्वेशन मतलब हम लोग जो बॉल को का संरक्षण कर रहे हैं, जो ओरिजिनल बॉल है उसका हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और उसके लिए तरीका हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग इसमें एक डिस्ट्रैक्टर लगाते हैं, हिप में एक डिस्ट्रैक्टर लगाते हैं और डिस्ट्रैक्टर लगा के इसके जॉइंट की स्पेस को बढ़ा देते हैं टेम्प्रेरी। वो टेम्प्रेरी स्पेस को बढ़ाने से क्या होता है कि इसमें इसको बॉल को दोबारा से गोल होने में मदद मिलती है और साथ साथ हम लोग इसके अंदर स्पेशल चैनल्स बनाते हैं, पतले चैनल बनाते हैं, वो चैनल के थ्रू हम लोग स्पेशल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, अंदर बोन मैरो डालते हैं जिससे कि इसका सर्कुलेशन बढ़ जाए और वो और गोल हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिप रिजर्वेशन सर्जरी और ये इंडिया में पहली बार हुई है, इससे आज तक इससे पहले इंडिया में पहली ये सर्जरी नहीं हुई। अभी इस समय आपको चल के दिखाएंगे, ये अपना चल फिर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी खुश। कम उम्र में ये बीमारियाँ क्या मानते हैं ये आजकल? ये इस तरह बीमारी बहुत ही रेयर है, अनकॉमन है। जी जी जी, तो ये बहुत अनकॉमन बीमारी है, बहुत अनकॉमन बीमारी है ये और इसमें सर्कुलेशन कम हो जाता है, सर्कुलेशन कम होने से ये बीमारी होती है। आप क्या स्थिति है? अभी काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, काफ़ी ये चल फिर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, नीचे ऊपर से नीचे वॉकिंग करके आए हैं और जल्द ही वापस अपने देश वापस चले जाएंगे। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आगे चलते हैं? ये जी कोई अभी हम समस्या एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और सब एक्साइटमेंट चल रही है, आगे चल के ये सब कुछ कर पाएंगे। इसी बच्चा जब इनका फिक्सेटर लगा हुआ था, जब हम लोग के डिस्ट्रैक्टर डिवाइस लगाई थी तब भी ये सारे मूवमेंट्स कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, चल रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे। तो ये जो डिवाइस है इसमें अच्छी बात ये होती है कि हम लोग उसको बिस्तर पर लिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि हम लोग ये पेशेंट वॉकिंग करता है, पेशेंट साइकिल चलाता है, स्विमिंग करता है, सब कुछ करता है। जी डॉक्टर साहब, आज कौन सी उपलब्धि एक बार फिर आपको मिली है और क्या आपका कारण है और क्या समाधान? चिकित्सा के क्षेत्र में एक मुरादाबाद के लिए एक नया आयाम है। हम इस लेवल पे आए हैं कि हम बाहर के पेशेंट जिनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल जो मेट्रो लेवल के हॉस्पिटल होते हैं उनकी होती हैं, उस लेवल हम प्रोवाइड कर पाए, इस वजह से यहाँ पर मरीज बाहर जाने शुरू हुए। अगर कोशिश आगे भी हमारी ये रहेगी इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको मेंटेन करें, उनको आगे बढ़ाएं, इस क्षेत्र में ये हमारा पहला कदम है। और सिर्फ यही नहीं कि बाहर के पेशेंट यहाँ हैं, बाहर के पेशेंट को यहाँ लाने के लिए जिस व्यवस्था का हमने यहाँ निर्माण किया है उसका पूरा फायदा मुरादाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को ही मिलेगा। तो उसके हमने स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इस चीज़ का सारा जरूर लिया, लेकिन इससे फ़ायदा जो होगा मुरादाबाद और सराउंडिंग एरिया के लोगों को होगा, क्योंकि उनको वो क्षेत्र सुविधाएँ मिलने जा रही हैं कि जो सुविधाएँ अब तक बड़े अस्पतालों मेट्रो में अवेलेबल हैं छोटे शहर। छोटे से बच्चे का इतना बड़ा ऑपरेशन
समस्या आगे अब इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसकी जो जिंदगी है आगे के हिसाब से जो काम पहले नहीं कर पाता अगर इंटरवेंशन नहीं होती लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसलिए नई जिंदगी होगी। कम उम्र में ये इतनी बड़ी बीमारी क्या कारण है? ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं बच्चों में होती हैं, उनके इलाज बहुत अक्सर पॉसिबल नहीं होते, लेकिन अब नया टाइम में चेंज हुए हैं। डॉक्टर गौरव जिंदल ने जो किया है इंडिया में अपने आप में पहला केस, तो मतलब हम खुशकिस्मत हैं कि इस तरह का काम हम यहाँ कर पा रहे हैं और लोग बाहर से भी इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आ रहे हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है इसी हॉस्पिटल? सब बस हमारे लिए लक्ष्य सब ये है कि हम अपने क्षेत्र में जो अच्छे से अच्छा हो सकता करें, उससे क्षेत्र की जनता को सभी लोगों को फायदा हो सके और कम से कम जो कीमत है उसको वो कर सके। क्या लागत रही होगी ऑपरेशन की? स्मार्ट साउंड करीबन 1-1.5 लाख रुपए आसपास।